नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो वी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के द्वारा लिए गए तमाम छोटे बड़े फैसलों से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले भारतीय स्वयंदेव समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर हुई महापंचायत में अखिलेश यादव महापंचायत होने के बाद हल्दरपुर महू में हुई महापंचायत समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कुछ बोला, क्या कुछ बड़ा ऐलान किया, सब कुछ बताएंगे। और उस महापंचायत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मेन बातें हुई, क्या कुछ बड़े ऐलान हुए, सब कुछ बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। और साथ ही साथ हम एक महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत करेंगे। तो आपसे हमारा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपने राजनीतिक दल को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। खुद जो राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। जीता जागता सबूत आपने 27 अक्टूबर को महू में देख लिया होगा। महू विधानसभा से वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया, उनसे कह दिया है कि आप मेहनत कीजिए, जीत तोड़ मेहनत कीजिए। जो महू है वहां पे काफी ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज वर्मा काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं महू विधानसभा में। पर साथ ही 27 अक्टूबर को हुई महापंचायत में यानी 19वें स्थापना दिवस पर स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर हुई महापंचायत में महापंचायत होने के बाद यूपी की सियासत में काफी ज्यादा बड़ा भूचाल सा आ गया। अचानक काफी ज्यादा सियासी करवट इधर से उधर हो गए। जो आंकड़े लगाए जा रहे थे उस जन सैलाब को देखने के बाद वो आंकड़े फेल हो गए। यानी जो सोच रहे थे कि इस विधानसभा से ये व्यक्तित्व जीतेगा, पर जिस तरीके से महू में जो जन सैलाब उमड़ा, हल्दरपुर में जो जनसैलाब उमड़ा, गहनी मोड़ का जो मैदान था उसमें जो जनसैलाब उमड़ा, उसे देखने के बाद तमाम राजनीतिक ज्ञानियों के जो ज्ञान थे वो धरे रह गए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक साथ जब अपने अपने हेलीकॉप्टर से मैदान में उन्होंने कदम रखे और एक ही गाड़ी से जब वो वहां पर जनता के बीच पहुंचे, जन सैलाब के बीच पहुंचे जहां पर कार्यक्रम स्थल था, मंच पर वो चढ़े, तो काफी ज्यादा जो विरोधी थे उनकी आंखें जो कि वो देखने लायक थी, यानी कि तमाम ऐसे वहां से जब बातें बोली गई उन पर काफी ज्यादा गौर देने लायक थी वो बातें। अखिलेश यादव ने साफ सीधी बात यह बोली कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला किया था और हम उत्तर प्रदेश में खदेड़ा करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। ये सब बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बोली। स्क्रीन पर लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही। समाजवादी पार्टी के फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट से काफी ज्यादा बड़ी बातें बोली गई। जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे बोला गया, सपा सुबसपा साथ साथ आशीर्वाद देने उमड़ा है जनसैलाब, जन जन में है ये विश्वास, दम्भी अत्याचारी मिथ्याचारी भाजपा के मुक्ति दिलाने आ रहे हैं श्री अखिलेश। यानी काफी ज्यादा बड़ी बातें बोली गई और ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा बड़ी बात बोली। उन्होंने साफ सीधा ऐलान किया कि दलितों शोषितों की आवाज जो दबी दबाई जा रही है और उनके हकाधिकारों को जिस तरीके से हनन किया जा रहा है उनके हकाधिकारों को बचाने के लिए हम मैदान में आ चुके हैं और दलित पिछड़ों के हकाधिकारों को बचाने के लिए हम मैदान में आए हुए हैं। एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनाई जाए। तो साथियों आप बताइए, क्या ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में यस बोलिए,
ना तो नो बोलिए। और आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बन सकती है, तो आप अपनी कमेंट में ला देना। और अखिलेश यादव ने भी काफी ज्यादा बड़ी बातें बोली, जो महापंचायत समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से लिखा, गरीबों, दमितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों, कारोबारियों, नौकरी पेशा व पेशा पेशेवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए झूठी व फरेबी भाजपा सत्ता के खिलाफ महू का हल्दरपुर मैदान का एक राजनीतिक महायुद्ध का कुरुक्षेत्र साबित होगा। यानी कि उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मऊ के हल्दरपुर मैदान एक राजनीतिक महायुद्ध का कुरुक्षेत्र साबित होगा, ये सब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बोली। क्या उन्होंने बोला जो अखिलेश यादव ने बोला, क्या आपको कितना उसमें सच्चाई दिखाई देती है, वो आप अपनी कमेंट में राय दें। फिलहाल आप बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले अपने तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर चुकी है, तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अभी हाल ही में अलीगढ़ की विधानसभा छर्रा से और छर्रा विधानसभा से एक आदम समाज के व्यक्ति को टिकट दी गई और मुनकाद अली हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं जाया के प्रत्याशियों की और बहुजन समाज पार्टी के लिए घूम रहे हैं मैदान में। और जो प्रत्याशी हैं मुख्य अतिथि के रूप में मुनकाद अली पहुंच रहे हैं, यानी कि मुस्लिम समाज से वो नेता हैं, उनको काफी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी सम्मान दे रही है क्योंकि मुस्लिम समाज भी आए और बसपा को वोट करे। तो क्या लगता है बसपा को मुस्लिम समाज वोट करेगा या नहीं? तो साथियों अभी एक मेन पॉइंट में बात आ जाते हैं, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की मऊ में और अखिलेश यादव की जो रैली हुई, उस रैली चाहे वो महापंचायत कहें चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे दलितों का अधिकार बचाने वाली रैली कहें चाहे कुछ भी कहें, पर वो फिलहाल तो एक चुनावी एजेंडा था और चुनावी एजेंडा यानी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए वो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतरे हुए, चाहे वो अब दलितों का हक अधिकार बचाएं चाहे कुछ भी बचाएं, तमाम तरह के वादे करते हैं। पर अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भी हर विधानसभा में जाएं, और जिस तरीके से रैली की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों के विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा, मायावती जी भी रैली वगैरह करना शुरू करें। और आशंका ये भी लगाई जा रही है दीपावली के तुरंत बाद मायावती जी की दो बड़ी रैली हो सकती है उत्तर प्रदेश में, और मायावती जी की रैली भी होना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल दिन प्रतिदिन रैली कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, कोई किसान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, कोई किसानों से आशीर्वाद, कोई ब्राह्मणों से आशीर्वाद निकाल रहा है, इस तरीके से एजेंडा से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों क्या लगता है आपको, मायावती जी को रैली करनी चाहिए? कमेंट अपनी राय दें। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को, जितनी भी हमने आपको खबरें बताई उन सभी खबरों पर आप क्या सोचते कमेंट में देना। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।